नमस्कार दोस्तों, वॉइस विद कुशवाहा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की कहानी है गांठ। आज घर में घुसते ही सलोनी के बिगड़े बिगड़े से तेवर देखकर रुपेश भांपने लगा था कि आज कुछ हुआ है, वरना रोज मुस्कुराकर स्वागत करने वाली सलोनी का चेहरा यूं उतरा न होता। लो, शांति दीदी का पत्र आया है। सलोनी के बढ़े हुए हाथों पर सरसरी सी नजर डाल रुपेश बोला, रख दो, जरा कपड़े वपड़े तो बदल लूं। पत्र कहीं भागा जा रहा है क्या? सलोनी की हैरत भरी नजरों का मुस्कुराहट से जवाब देता हुआ रुपेश बाथरूम में घुस गया। सलोनी के उतरे हुए चेहरे का राज भी उस पर खुल गया था। रुपेश मन ही मन सोचकर मुस्कुरा उठा। सोच रही होगी कि आज मुझे क्या हुआ है, शांति दीदी का पत्र हर बार की तरह झपट कर जो नहीं लिया। हर साल गर्मी की छुट्टियों में दीदी के आने का सिलसिला बहुत पुराना था, परंतु विवाह के 6 वर्षों में शायद ही ऐसा कभी हुआ हो जब उनके आने को लेकर सलोनी से उसकी जोरदार तकरार न हुई हो। बेचारी दीदी, जो इतनी आस और प्यार के साथ अपने इकलौते छोटे भाई के घर थोड़े से मान और सम्मान की आशा लेकर आती थी, सलोनी के रूखे बर्ताव व उन दोनों के बीच होती तकरार से अब चंद दिनों में ही लौट जाती थी। शांति दीदी से रुपेश का लगाव कम होता भी तो कैसे, दीदी 12 वर्ष की ही थी जब माँ रुपेश को जन्म देते समय ही उसे छोड़ दूसरी दुनिया की ओर चल दी थी। दीदी न होती तो मेरा क्या होता, यह सोचकर ही उसकी आंखें भर उठती थी। दीदी उसकी बड़ी बहन बाद में थी, माँ जैसे पहले थी। कैसे भूल जाता रुपेश बचपन से लेकर जवानी तक के उन दिनों को जब कदम कदम पर दीदी ममता और प्यार की छाया ले उसके साथ चलती रहती थी। दीदी तो विवाह भी नहीं करती, परंतु रिश्तेदारों के तानों और बेटी की बढ़ती उम्र से चिंतित पिताजी के चेहरे पर बढ़ती झुर्रियों को देखने के बाद रुपेश ने अपनी कसम देकर दीदी को विवाह के लिए मजबूर कर दिया था। उनके विवाह के समय वह बीए में ही आया था। विवाह के बाद बेटे की तरह पले बढ़े भाई की तड़प शांति दीदी के अंदर से गई नहीं थी। उनकी जरा सी खबर पाते ही दौड़ चली आती, वह भी उनके जाने के बाद कितना अकेला हो गया था। यह तो अच्छा हुआ कि जीजा जी अच्छे स्वभाव के थे, दीदी की तड़प समझते थे, भाई बहन के प्यार के बीच कभी बाधा नहीं बने थे। सलोनी को भी वह ही ढूंढ कर लाई थी। उन दिनों की याद से रुपेश मुस्कुरा उठा। दीदी उसके विवाह की तैयारी में बावरी हो उठी थी। ऐसा भी नहीं था कि सलोनी को इन बातों की जानकारी न हो। विवाह के शुरुआती दिनों में ही सारी राम कहानी उसे सुना दी थी। विवाह के बाद जब पहली बार दीदी आई तो सलोनी भी उनसे मिलने के लिए बड़ी उत्साहित थी, और वहाँ रुपेश तो पगला सा गया था। आखिर उसके विवाह के बाद वह पहली बार आ रही थी। वह चाहता था कि भाई की खुशुखी गृहस्थी देखकर वह खिल उठे। पति के ढेरों आदेश निर्देश पाकर सलोनी का उत्साह कुछ कम हो गया था, वह कुछ सहम सी गई थी, परंतु रुपेश तो अपनी ही धुन में था, चाहे कुछ भी हो जाए। शांति दीदी को इतना सम्मान और प्यार मिलना चाहिए कि उनकी ममता का थोड़ा सा कर्ज तो उतार सकें। दीदी के आने के बाद उन दोनों के बीच सलोनी कहीं खो सी गई थी। उन दोनों को अपने में ही मस्ती के साथ बैठकर स्वयं भी उनकी बातों में शामिल होने की कोशिश करती, पर रुपेश ऐसा मौका ही नहीं देता। तब वह चीज कर रसोई में घुस कर खाना बनाने की चीज में लग जाती। मेहनत से बनाया गया खाना देखकर भी रुपेश उस पर नाराज हो उठता, क्या बना दिया है यह, पता नहीं दीदी को पालक पनीर की सब्जी अच्छी लगती है या शाही पनीर की नहीं। फिर रसोई में काम करती सलोनी का हाथ पकड़कर बाहर ला खड़ा करता और कहता, आज तो दीदी के हाथ का बना हुआ ही खाऊंगा, वे कितनी अच्छा बनाती हैं। तब भाई बहन चूहलबाजी करते हुए रसोई में मशगूल हो जाते, और सलोनी बिना अपराध के अपराधी सी रसोई के बाहर खड़ी उन्हें देखती रहती। दीदी जरूर कभी कभी सलोनी को भी साथ लेने की कोशिश करती, लेकिन रुपेश अनजाने में ही उनके बीच एक ऐसी दीवार बन गया था कि दोनों औपचारिकता से आगे कभी बढ़ ही नहीं पाई थी। उस समय तो किसी तरह सलोनी ने हालत से समझौता कर लिया था,
लेकिन उसके बाद जब भी शांति दीदी आती वह कुछ तीखी उठती, सीधे दीदी से कुछ कहे बिना ही। लेकिन रुपेश के साथ उसके झगड़े शुरू हो गए थे, दीदी भी शायद भांप गई थी, इसलिए धीरे धीरे उनका आना कम होता जा रहा था। इस बार तो पूरे एक वर्ष बाद आ रही थी। पिछली बार उनके सामने इस सलोनी ने रुपेश से इतना झगड़ा किया कि वे बेचारी 5 दिनों में ही वापस चली गई थी। जितने भी दिन वे रही, सलोनी ने बिस्तर से नीचे कदम नहीं रखा, हमेशा सिरदर्द का बहाना बनाकर अपने कमरे में ही पड़ी रहती। एक दोपहर दीदी को अकेले काम में लगा देखकर भनभनाता हुआ रुपेश सलोनी से लड़ पड़ा था। तब वह तीखी आवाज में बोली थी, तुम क्या समझते हो मैं बहाना कर रही हूँ? वैसे भी तुम्हें और तुम्हारी दीदी को मेरा कोई काम पसंद ही कब आता है? तुम दोनों तो बातों में मशगूल हो जाओगे, फिर मैं भी वहाँ क्या करूँगी? बढ़ते बढ़ते बात तेज झगड़े का रूप ले चुकी थी। दीदी कुछ बोल नहीं। दूसरे दिन ही रुपेश द्वारा मिन्नतें करने के बाद भी वह चली गई थी। उनके चले जाने के बाद भी बहुत दिनों तक उन दोनों के संबंध सामान्य न हो पाए थे। दीदी के इस तरह चले जाने के कारण वह सलोनी के माफ नहीं कर पाया था। दोनों के बीच बढ़ते तनाव को देखकर अभी तक खामोशी से सब कुछ देख रहे पिताजी ने आखिरकार एक दिन रात को खाने के बाद टहलने के लिए निकलते समय उसे भी साथ ले लिया था। वे उसे समझाते हुए बोले थे, पति पत्नी के संबंध का अजीब ही कायदा होता है। इस रिश्ते के बीच किसी तीसरे की उपस्थिति बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन दीदी कोई गैर नहीं है। बीच में ही बात काटते हुए रुपेश का स्वर रोष से भर उठा था। बेटा, विवाह के बाद सबसे नजदीकी रिश्ता पति पत्नी का ही होता है, बाकी संबंध गौड़ हो जाते हैं। माना कि सभी संबंधों की अपनी अपनी अहमियत है, लेकिन किसी भी रिश्ते पर कोई रिश्ता हावी नहीं होना चाहिए, वरना कोई भी सुखी नहीं रहता। तुम ही बताओ, इतनी कोशिशों के बाद भी क्या तुम्हारी दीदी खुश हैं? समझाते समझाते पिताजी का सवाल कर उठे थे। तो मैं क्या करूं, सलोनी की खुशी के लिए उनसे सारे संबंध तोड़ लूं, या फिर दीदी के लिए सलोनी से? रुपेश असमंजस में था। आप तो जानते ही हैं कि दोनों ही मुझे कितनी प्रिय हैं, संबंध तोड़ने के लिए कौन कहता है? पिताजी ने धीरे से हंस पड़े थे, फिर गंभीर होकर बोले, यह तो तुम भी मानते होगे कि सलोनी मन से बुरी या झगड़ालू नहीं है, मेरा कितना ख्याल रखती है, तुम्हारे लिए भी आदर्श पत्नी सिद्ध हुई है। फिर दीदी से ही उसकी क्या दुश्मनी है? रुपेश के इस सवाल पर थोड़ी देर उसे गहरी नजरों से देखने के बाद वे बोले, कोई दुश्मनी नहीं है। याद करो, पहली बार वह भी कितनी उत्साहित थी। इस सब के लिए अगर कोई दोषी है तो वह स्वयं तुम हो। मैं सीधे सीधे अपने को अपराधी पाकर रुपेश अचकचा उठा। हाँ, तुम उन दोनों के बीच एक दीवार बनकर खड़े हो, कुछ करने का मौका ही कहाँ देते हो? आखिर वह तुम्हारी पत्नी है, वह तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है, लेकिन तुम हो कि अपनी बहन के आते ही उसके पूरे व्यक्तित्व को ही नकार देते हो। पिताजी सांस लेने के लिए तनिक रुके थे। रुपेश सिर झुकाए बैठा था, किसी सोच में डूबा सा था। बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारी दीदी और तुम में इतना स्नेह है। भाई बहन से कहीं अधिक तुम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हो, पर अपनी दोस्ती की सीमाओं को बढ़ाओ। अब सलोनी को भी इसमें शामिल कर लो, यह उसका भी घर है, उसे तय करने दो कि यह अपने मेहमान का कैसे स्वागत करती है। विश्वास मानो, इससे तुम सबके बीच से तनाव और गलतफहमियों के बादल छंट जाएंगे और तुम सब एक दूसरे के अधिक पास आ जाओगे। अंदर कितनी देर लगाओगे? सलोनी की आवाज सुनकर वह चौंक उठा। अरे, इतनी देर से मैं बाथरूम में ही बैठा हूँ। झटपट नहा कर वह बाहर निकल आया। चाय और गर्मा गर्म नाश्ते की प्लेट उसका इंतजार कर रही थी। इधर वे खामोश ही रहे। जूठे कप व प्लेटें समेटती सलोनी की हैरत यह देखकर और बढ़ गई कि रुपेश पत्र को हाथ लगाए बगैर ही अखबार पढ़ने लगा है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? सलोनी का चिंतित चेहरा देखकर अपनी हंसी को रुपेश ने मुश्किल से रोका।
हाँ ठीक है, क्यों? फिर अभी तक दीदी का पत्र क्यों नहीं पढ़ा? सलोनी के जवाब में वह लापरवाही से बोला, तुमने तो पढ़ा ही होगा, खुद ही बता दो क्या लिखा है। वे कल दोपहर की गाड़ी से आ रही हैं। अच्छा, यह कहकर वह फिर अखबार पढ़ने में मशगूल हो गया। कुछ देर तक सलोनी वहीं खड़ी गौर से उसे देखती रही, फिर कमरे से बाहर निकल गई। दूसरे दिन रविवार था। सुबह सुबह रुपेश को अखबार में खोया पाकर सलोनी बहुत देर तक खामोश न रह सकी। दीदी आने वाली हैं, तुम्हें कुछ ख्याल है भी या नहीं? पता है, अखबार में नजरें जमाए हुए भी वह बोला। खाक पता है, सलोनी झुंझला उठी थी। कुछ सामान वगैरह लाना है या नहीं? घर तुम्हारा है, तुम जानो। उसकी झुंझलाहट पर वह खुद मुस्कुरा उठा। कुछ देर तक उसे घूरने के बाद पैर पटकती हुई सलोनी थैला और पर्स लेकर बाहर निकल गई। जब वह लौटी तो भारी थैले के साथ पसीने से तरबतर थी। रुपेश आश्चर्यचकित था। वह दीदी की पसंद की एक एक चीज छांट छांट कर लाई थी। दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? सवालिया नजरों से उसे देखते हुए सलोनी ने पूछा। तुम जो भी बनाओगी लाजवाब ही होगा, कुछ भी बना लो। रुपेश की बात सुनकर सलोनी ने उसे यूं घूर कर देखा जैसे उसके सिर पर सीम उग आए हों। दोपहर से काफी पहले ही वह खाना बनकर तैयार हो चुकी थी। रुपेश की तेज नजरों ने देख लिया था कि सभी चीजें दीदी की पसंद की ही बनी है। वास्तव में वह मन ही मन पछता भी रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके बचकाने व्यवहार की वजह से शांति दीदी और सलोनी इतने समय तक अजनबी बन परेशान होती रही हैं। ट्रेन का टाइम हो रहा है, स्टेशन जाने के लिए कपड़े निकाल दूं। सलोनी अपने अगले सवाल के साथ सामने खड़ी थी। अपने को व्यस्तता दिखाता रुपेश बोला, उन्हें रास्ता तो पता है, ऑटो लेकर आ जाएंगी। तुम्हारा दिमाग तो सही है। बहुत देर से जमा हो रहा लावा अचानक ही फूट कर बाहर निकला था। पता है ना कि वे अकेली आ रही हैं, लेने नहीं जाओगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? अच्छा बाबा, जाता हूँ, पर एक शर्त पर, तुम भी साथ चलो। मैं हैरत में पड़ी सलोनी बोली, मैं तुम दोनों के बीच क्या करूँगी? फिर मैं भी नहीं जाता। उसे अपनी जगह से टस से मस न होते देखकर आखिर सलोनी ने हथियार डाल दिए। अच्छा उठो, मैं भी चलती हूँ। सलोनी को साथ आया देखकर दीदी पहले तो हैरत में पड़ गई, फिर खिल उठी। शायद पिछली बार के कटु अनुभवों ने उन्हें भयभीत कर रखा था। स्टेशन पर सलोनी को देख को भी एक पल में सारी शंकाएं दूर हो गई। वे खुशी से पैर छूने को झुकी सलोनी के गले से लिपट गई। रुपेश सोच रहा था, इतनी अच्छी तरह से तो घर में कभी भी कभी नहीं मिलती किसी से। किस सोच में डूब गए, दीदी का खिलखिलाता स्वर उसे गहरे तक खुशी से भर गया। सामान उठाकर वह आगे चल दिया। सलोनी और दीदी पीछे पीछे बात करती हुई आ रही थी। खाने की मेज पर भी रुपेश कम बोल रहा था। सलोनी ही आग्रह करके दीदी को खिला रही थी। हर बार सलोनी के अबोलेपन की स्थिति से शायद माहौल तनावयुक्त हो उठता था, इसीलिए दीदी अब जितनी सहज व खुश लग रही थी उतनी पहले कभी नहीं लगी थी। खाने के बाद वह उठकर अपने कमरे में आ गया। वे दोनों बहुत देर तक वहीं बैठी बातों में जुटी रहीं। कुछ देर बाद सलोनी कमरे में आकर दबे स्वर में बोली, यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ दीदी से कुछ बातें करो ना। तुम हो ना, मैं कुछ देर बाद सोऊंगा, कहते हुए रुपेश ने करवट बदल कर आंखें मूंद ली। रात के खाने की तैयारी में सलोनी का हाथ बटाने के लिए दीदी भी रसोई में आ गई। रुपेश टीवी खोल कर बैठा था। रुपेश की तबीयत ठीक नहीं है क्या? रसोई से आता दीदी का स्वर सुन रुपेश के कान चौकन्ने से हो गए। पल भर की खामोशी के बाद सलोनी का स्वर उभरा, नहीं तो आजकल ऑफिस में काम अधिक होने से ज्यादा थक जाते हैं, इसीलिए थोड़ा खामोश हो गए हैं। आपको बुरा लगा क्या? अरे नहीं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? वैसे भी तुम्हारा साथ ज्यादा भला लग रहा है।
पहली बार ऐसा लग रहा है कि अपने मायके आई हूँ। माँ तो थी नहीं जिनसे आने पर मायके का एहसास होता। पिता और भाई का मान दुलार था तो असली मायके का एहसास तो माँ या भाभी के प्यार और मनुहार से ही होता है। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, सलोनी ने हौले से कहा, मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। ऐसी बात नहीं है, हमने तुम्हें अवसर ही कहाँ दिया था कि तुम अपना अच्छा या बुरा व्यवहार सिद्ध कर सको। खैर छोड़ो, इस बार जैसा सुकून मुझे पहले कभी नहीं मिला है। दीदी का स्वर संतुष्टि भरा था। टीवी के सामने बैठे रुपेश का मन भी दीदी की खुशी और संतुष्टि देखकर सलोनी के प्रति प्यार और गर्व से भर उठा था। सुबह उठने से पहले ही शांति दीदी और सलोनी उठकर काम के साथ साथ बातों में व्यस्त थी। रात में भी रुपेश तो सो गया था, वे दोनों जाने कितनी देर तक एक साथ जागती रही थी। जाने उनके अंदर कितनी बातें दबी पड़ी थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रुपेश को एक बार फिर अपनी मूर्खता पर पछतावा हुआ। बिस्तर से उठकर वह ऑफिस जाने की तैयारी में लग गया। कहाँ जा रहे हो? शीशे के सामने बाल संवार रहे रुपेश के हाथ अचानक सलोनी को देखकर रुक गए। ऑफिस दीदी आई हैं, फिर भी? सलोनी की हैरानी वाजिब थी। दीदी के लिए रुपेश पहले पूरे वर्ष की छुट्टियां बचा के रखता था। जितने भी दिन वह रहती वे उन्हें घुमाने फिराने के लिए छुट्टियां लेकर घर बैठा रहता था। छुट्टी क्यों नहीं ले लेते, हम सब घूमने चलेंगे, सलोनी जोर जोर देते हुए बोली। नहीं, इस बार छुट्टियां बचा रहा हूँ, शरारत भरी नजर सलोनी के चेहरे पर डालता हुआ रुपेश बोला। क्यों? सलोनी के सवाल के जवाब में उसने उसे अपने पास खींच लिया। क्योंकि इस बार मैं तुम्हें मसूरी घुमाने ले जा रहा हूँ, अभी छुट्टी ले लूंगा तो बाद में नहीं मिलेंगी। सलोनी की आंखें भीग उठी थी। शायद वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि रुपेश की जिंदगी और दिल में उसके लिए भी इतना प्यार छिपा हुआ है। अपने को संभाल आंखें पोंछती वह प्यार भरे स्वर में बोली, मसूरी जाना क्या दीदी से अधिक जरूरी है? मुझे कहीं नहीं जाना, तुम्हें छुट्टी लेनी ही पड़ेगी। अच्छा, ऐसा करता हूँ, सिर्फ आज की छुट्टी ले लेता हूँ, वह समझौते के अंदाज में बोला। लेकिन इसके बाद जितने भी दिन दीदी रहेंगी तुम ही उनके साथ रहोगी, मैं अकेले? सलोनी घबरा रही थी। मुझसे फिर कोई गलती हो गई तो क्या, उसे सुधार लेना, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, मन ही मन सोचता जा रहा था रुपेश। मैं भी तो अपनी गलती ही सुधार रहा हूँ, वह रुपेश की प्यार और विश्वास भरी निगाहों को पल भर देखती रही। फिर वह हंसकर बोली, अच्छा अब छोड़ो, चलकर कम से कम आज के पिकनिक की तैयारी करूं। दीदी पूरे 20 दिनों के लिए रुकी थी। सलोनी और उनके बीच संबंध बहुत मधुर हो गए थे। इस बार पिताजी भी अधिक खुश नजर आ रहे थे। दीदी के जाने का दिन ज्यों-ज्यों नजदीक आ रहा था सलोनी उदास होती जा रही थी। आखिरकार जीजा जी के बुलावे के पत्र ने उनके लौटने की तारीख तय कर दी थी। दौड़ी दौड़ी सलोनी बाजार जाकर दीदी के लिए साड़ी और जीजा जी के लिए कपड़े खरीद लाई थी। तरह तरह के पापड़ और अचार दीदी के मना करने के बावजूद उसने बांध दिए थे। शाम की ट्रेन थी। सलोनी शांति दीदी के साथ के लिए तरह तरह की चीजें बनाने में व्यस्त थी। रुपेश सामान पैक करती दीदी के पास आ बैठा। दीदी ने मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा। अब तुम कब आ रहे हो सलोनी को लेकर? दीदी आऊंगा, जल्द ही आऊंगा। बैठी हुई दीदी की गोद में वह सिर रख कर लेट गया था। तुम नाराज तो नहीं हो ना? किस लिए? उसके बालों में हाथ फेरती हुई दीदी एकाएक ही उसकी बात सुनकर हैरत में पड़ गई। मैं तुम्हारे साथ पहले जितना समय नहीं बिता पाया ना, रुपेश बोला। नहीं रे, बल्कि इस बार मैं यहाँ जितनी खुश रही हूँ उससे पहले कभी नहीं रही। सलोनी के होते हुए मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। एक बात बताऊँ, मुझे बहुत डर लगता था
तेरे इतने प्यार जताने के बाद भी लगता था मेरा भाई मुझसे अलग हो जाएगा। कभी कभी सोचती शायद मेरे आने की वजह से ही सलोनी और तुम्हारे बीच झगड़ा होता है। तुझे देखने के लिए मन न तड़पता तो शायद यहाँ कभी आती ही नहीं। सलोनी के इस बार के अच्छे व्यवहार ने मुझे एहसास दिलाया है कि भाई तो अपना ही होता है, पर भाभी को अपना बनाना पड़ता है, क्योंकि वह अगर अपनी न बने तो धीरे धीरे भाई भी पराया हो जाता है। आज मैं सुकून महसूस कर रही हूँ। सलोनी जैसी अच्छी भाभी के होते हुए मेरा भाई कभी पराया नहीं होगा। इस सबसे भी बढ़कर पाता है कि उसे क्या दिया है मुझे, क्या मेरा मायका, जो मुझे पहले कभी नहीं मिला था। सलोनी ने मुझे वह सब दे दिया है। शांति दीदी की आंखें बरस उठी थी। सलोनी ने यह जो एहसान मुझ पर किया है इसका कर्जा कभी नहीं चुका पाऊंगी। खाना तैयार है। सलोनी कब कमरे में आई पता ही नहीं चला, लेकिन उसकी भीगी भीगी आंखें बता रही थी कि वह बहुत कुछ सुन चुकी थी। गर्व से निहारती रुपेश की आंखों में झांक कर सलोनी बोली, कैसे हो भाई? पता नहीं, आज सुबह से दीदी ने कुछ नहीं खाया। चलो खाना ठंडा हो रहा है। दीदी को ट्रेन में बिठा रुपेश उनका सामान व्यवस्थित करने में लगा हुआ था। सलोनी दीदी के साथ ही बैठी उन्हें दशहरे की छुट्टियों में आने के लिए मना रही थी। हमेशा उतरे मुंह से वापस होने वाली दीदी का चेहरा इस बार चमक रहा था। ट्रेन की सीटी की आवाज के साथ ही रुपेश ने कहा, उतरो सलोनी, ट्रेन चलने वाली है। सलोनी शांति दीदी से लिपट गई, जल्दी आना और जाते ही पत्र लिखना। अब पहले तुम दोनों मेरे घर आना। भीगी आंखों के साथ दीदी मुस्कुरा रही थी। उनके नीचे उतरते ही ट्रेन ने सरकना शुरू कर दिया। दीदी पत्र जरूर लिखना, दोनों अपने अपने रुमाल हिला रही थी। ट्रेन गति पकड़ कर दूसरे स्टेशन से दूर होती जा रही थी। सलोनी ने पलट कर रुपेश की तरफ देखा। रुपेश की गर्व भरी आंखों को निहारती सलोनी की आंखें भी चमक उठी थी। सलोनी और दीदी के बीच जो गांठ थी वह हमेशा के लिए खुल गई थी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।